को कितनी सीटें आनी तय? खटाखट फटाफट के बीच काशी में ऐसा क्या हो रहा कि सब हो जाएंगे सफाचट? यूपी बिहार बंगाल फाइनल वोटिंग के दिन क्या कमाल होने वाला है? यानी चुनाव से जुड़ी हुई सारी खबरों का चक्कर। लोकसभा चुनाव का फाइनल राउंड बचा हुआ है और अब 4 जून से पहले सब यही बातें कर रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट कैसा आएगा। बीजेपी का नारा तो 400 पार का पहले दिन से है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता अब 4 जून को लेकर फटाफट खटाखट बयान दे रहे हैं। अगर आप दोनों तरफ के दावों को देखें तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद जनता के मजे ही मजे हैं, लोगों के खाते में खटाखट पैसा आएगा, ये राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं कि पंजा और साइकिल के सपने टूट के बिखर जाएंगे, खटाखट खटाखट। अमित शाह कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल जाएंगे और राहुल विदेश जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून हमारे लिए खुशियों का दिन होगा। हिमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि तेजस्वी गाने की बहुत प्रैक्टिस किए हैं जो 4 जून के बाद काम आएगी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन खटाखट टूट जाएगा। यानी हर कोई 4 तारीख को लेकर अपने अपने दावे कर रहा है। प्रचार का पूरा नैरेटिव खटाखट फटाफट सफाचट पर आ गया। इंडी गठबंधन जिस तरह से अटैक करता है, पीएम मोदी की तरफ से वैसा ही जवाब भी आता है। एक बार सुनिए ये खटाखट फटाफट टकाटक वाली बयानबाजी, फिर आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का माहौल बताता हूं, जहां आखिरी फेज के चुनाव का सेंटर पॉइंट बन गया है। वाराणसी में क्या चल रहा है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा खटाखट ये देख लीजिए। खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। आप लोगों से इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। 4 जून को 400 से ज्यादा सीट आनी है और 1 जून को केजरीवाल जी को जेल जाना है और 6 जून को राहुल बाबा वैकेशन पर बैंकॉक जा रहे हैं। जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खटाखट 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 8,500। क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, और भी बहुत कुछ होगा, बताओ क्या होगा। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले। ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट 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 फटाफट टकाटक जो भी हो, लेकिन 4 जून को टाइम्स नाउ नव भारत पर नतीजे भी आपको सबसे तेज खटाखट खटाखट पता चले। तो 4 जून को सुबह 6 बजे से यहां बैठ जाना है। आखिरी चरण के मतदान में अब पूरा फोकस वाराणसी में शिफ्ट हो गया है। पूरे लोकसभा चुनाव में सबसे वीआईपी सीट वाराणसी ही तो है, क्योंकि यहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत भी लगा दी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज की डेट में वाराणसी पहुंचे हुए हैं, जिनमें अमित शाह शामिल हैं। अमित शाह वाराणसी, जेपी नड्डा वाराणसी, विदेश मंत्री जयशंकर वाराणसी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में, ब्रिजेश पाठक वाराणसी, अरुण गोविल वाराणसी, यूपी के 6 मंत्री वाराणसी में, यानी कुल 20 से ज्यादा मंत्री वगैरह पहुंचे हुए हैं इस वक्त वाराणसी। वाराणसी ऐसी सीट है जहां से पूरे पूर्वांचल को साधा जाता है। इसके अलावा वाराणसी में इस बार पीएम मोदी की जीत का मार्जिन 10 लाख का करने का भी टारगेट है। वाराणसी में इस वक्त अलग ही माहौल है। वाराणसी आने वाले और वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर बताता हूं कि वाराणसी से कैसे पूरे पूर्वांचल का गेम सेट हो गया। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। चुनाव तो मोदी जी जीत चुके हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी, लगभग 370 के आसपास सीटें आएंगी मोदी सरकार की। पूरे देश में एक लहर चली हुई है बीजेपी की,
और काम भी किए हैं। मैंने बनारस को पहले भी देखा, आज भी देखा, उसमें दिन रात का अंतर है। काफी बदलाव लग रहा है कि पहले तो यूं सुनने में आता था कि भाई बहुत गंदगी है गंगा में, ये अब है मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। 100% मोदी जी आएगी। आप कहाँ से? कनाडा से आया हूँ, मॉन्ट्रियल। पर मुझे अभी लगता है कि मैंने गलती किया देश छोड़ के, देश वापस आना चाहिए। देश बहुत तरक्की किया है, चारों तरफ डेवलपमेंट ही दिख रहा है। कितना बदला है बनारस? बहुत बदल गया है, बहुत सब बदल गया है। क्या क्या बदला है? बहुत घाट सब साफ सफाई हो गया है। लग रहा है कि अपना मोदी सरकार फिर से आने वाला है। हम तो खुश हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बनारस को अपने आंखों से बदलता हुआ देखा मैंने। और देखा इसलिए क्योंकि जब मैं ऑटो चलाता था वाराणसी के अंदर में, यहाँ का सड़कें, यहाँ का कहीं भी घुसना हो तो अंदर कोई गली के अंदर ट्रक नहीं घुस पाता था, क्योंकि जो बिजली का खंभा है, तार है, वो सब पहले बहुत बिगड़ा हुआ था। उस पे काम हुआ, नाला सीवर का काम हुआ, घर घर पानी पहुंचा है। पहले भी पानी का सुविधा था लेकिन उसको और अच्छे तरीके से काम किया गया है। और बात करें रोड का तो रोड भी एकदम फर्स्ट क्लास बन चुका है। हाँ, सच है क्योंकि यहाँ का जो विकास हुआ है पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और घाटों का, तो पहले से कुछ तो सुधार हुआ है। काम के यहाँ पर है तो ही रहेगा ना, जो काम करेगा, जो यहाँ काम करेगा, जो विकास करेगा वही ना रहेगा। वाराणसी में लोग मोदी कर रहे हैं, कह रहे हैं वाराणसी को बदल दिया है, चमका दिया है नरेंद्र मोदी। वाराणसी में अगर टीम मोदी पूरी ताकत से जुटी है तो इंडी गठबंधन भी अपना जोर लगा रहा है। इंडी गठबंधन से कांग्रेस को यह सीट मिली हुई है। कांग्रेस ने यहां से अपने यूपी के अध्यक्ष अजय राय को वाराणसी में चुनावी मैदान में उतार दिया। अजय राय के प्रचार के लिए वाराणसी में प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव का रोड शो भी हो चुका है। वाराणसी की गली गली जाकर प्रियंका और डिंपल ने वोट मांगे थे। अब कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी वाराणसी में रैली करने वाले हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के कैंडिडेट अजय राय क्या कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको फाइनल फेज में पहुंच चुकी यूपी की लड़ाई के बारे में विस्तार से बताता हूं। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने अगर इतना काम किया होता, इतना विकास किया होता, तो इतना दौड़ने की आवश्यकता क्या है इनको? गली गली दौड़ रहे हैं। कोई गली ऐसी नहीं है जहां भाजपा के नेता और मंत्री अजय शंकर प्रसाद, मैं सुना भी आग बैठे हैं, क्या ना एस जयशंकर, वो गली गली घूम रहे हैं। विदेश मंत्री, आपको बाहर काम करना चाहिए, आप यहाँ घूम रहे हैं, ये विदेश मंत्री का काम है क्या? ये गली गली स्कूल में, कॉलेजेस में, क्लब्स में घूम के मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है? इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरी तरीके से फंस गई है मोदी की सीट और हार रहे हैं मोदी। वाराणसी का रिजल्ट क्या होगा ये तो क्लियर है, वहां सवाल इसी बात का है कि पीएम मोदी की जीत का अंतर कितना बड़ा होगा। ये लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं कि ये लोग लगाए, वो लोग लगाए, इतनी ताकत लगा रहे हैं। वो ताकत जीत हार के लिए नहीं है, पब्लिक कह रही है कि जीत हार के लिए नहीं है बॉस, ये नरेंद्र मोदी का मार्जिन जीत का कितना ऊपर करना है उसके लिए पूरी ऊर्जा लग रही है। लेकिन वाराणसी में इस माहौल के बीच सवाल यूपी में फाइनल फेज की सभी 13 सीटों का भी है, क्योंकि वाराणसी में जो कुछ भी होता है उसका असर सभी सीटों पर दिखता है। इन 13 सीटों में वाराणसी तो है ही, इसके अलावा गोरखपुर शामिल है, महाराजगंज, देवरिया, रॉबर्ट्सगंज, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सलेमपुर, मिर्जापुर और कुशीनगर के अलावा घोसी और बांसगांव की सीट भी है। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, वाराणसी के साथ इन सभी 13 सीटों पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। सोनभद्र में एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के माफियाओं को कड़ा संदेश दिया। सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर बताता हूं कि पूर्वांचल की 13 सीटों का गणित क्या बता रहा है। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। पहले माफिया भगाता था पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। पिछली बार पूर्वांचल में विपक्ष ने कुछ सीटें निकाल ली थी क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार तो यह गठबंधन भी नहीं है, तो बीजेपी के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर बताया जा रहा है। फाइनल फेज की 13 सीटों में 2019 के अगर आप नतीजे देखेंगे
जिन 13 यूपी की 13 सीटों पर फाइनल फेज में वोटिंग होनी है। यूपी 13 सीट, इनमें पिछली बार 2019 में क्या हुआ था जरा इसको समझ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस बार क्या स्थिति है। ये पूर्वांचल की 13 सीटें, इनमें एनडीए को पिछली बार 11 सीट जीती थी और बीएसपी जो है उसके खाते में दो सीट आई थी, दो सीट घोसी और गाजीपुर की, यानी कांग्रेस को यहां एक सीट नहीं आई थी। अगर आप ये देख लें तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि जब बीएसपी सपा का गठबंधन दो सीट जीत पाया तो इस बार गठबंधन नहीं होने पर क्या स्थिति होगी। सातवें और फाइनल फेज में कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के अलावा पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान होना है, बंगाल की 9 सीट है इसमें, बिहार की बची हुई 8 सीटें हैं, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान होगा, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग है, झारखंड की 3 पर, चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी वोटिंग होनी। चुनाव में हर चरण के मतदान के बाद बीजेपी दावा करती आई है कि वो कितनी सीटें पार कर चुकी है। अमित शाह ने आज दावा किया है कि 5 चरण के बाद बीजेपी 310 के पार जा चुकी है, यानी बहुमत से बहुत आगे। सुनिए अमित शाह को, फिर बताता हूं कि आखिरी चरण से पहले कांग्रेस ने अपनी सीटों को लेकर क्या दावा ठोका। 6 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है, जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना चाहते हो तो सुन लो। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है, आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। अमित शाह ने जो आंकड़ा बताया है उसमें छठे और सातवें चरण को काउंट नहीं किया। अगर इन दोनों को काउंट कर लें तो अमित शाह का दावा 400 के पार हो जाता है। लेकिन इंडी गठबंधन भी दावा करने लगा है कि 400 नहीं तो 350 सीटें तो इंडी गठबंधन की आएंगी। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कह दिया कि इंडी गठबंधन अब तक 272 सीटों को क्रॉस कर चुका है और कुल 350 सीट जीतने की तरफ बढ़ रहा है। अब किसका दावा सही होगा तो इसका तो पता 4 जून को चलेगा, लेकिन 4 जून से पहले एक फाइनल लड़ाई बाकी है और इस फाइनल लड़ाई में भी बीजेपी और एनडीए और इंडी गठबंधन पर बहुत भारी है। जैसे आप बिहार को देख लीजिए, बिहार के 8 सीटों पर मतदान हो रहा है लास्ट फेज में और इन 8 सीटों पर बीजेपी से ज्यादा इंडी गठबंधन के लिए चुनौती, क्योंकि बिहार की ये 8 सीटें एनडीए गठबंधन का गढ़ है। 2014 में इन 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट जेडीयू के पास गई थी। 2014 में तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, तब भी बीजेपी 7 जीती थी। फिर 2019 में एनडीए ने सभी 8 सीटें जीत ली थी, इसमें से बीजेपी के पास 5 और जेडीयू के पास 3 सीटें गई थी क्योंकि गठबंधन था। 2019 में इन दोनों ने गठबंधन के साथ 8 की 8 सीटें लपेट ली थी। बिहार की 8 सीटों के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस बार पूरी ताकत लगा रहे हैं। राहुल गांधी तो बिहार में एक दिन में 3-3 रैलियां कर दे रहे हैं। पटना, बख्तियारपुर और दरियापुर में राहुल इंडी गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि 2019 की तरह 0 सीट वाला मामला फिर से ना हो जाए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि यूपी और बिहार में इंडी गठबंधन का तूफान आ रहा है। राहुल ने फिर से कहा कि लिख के रख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताता हूं कि 1 जून के लिए इंडी गठबंधन का प्लान क्या है। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये गारंटी करके ले लो। राहुल गांधी बात तो सही कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, लेकिन वो तूफान बिहार नहीं बल्कि बंगाल में आ रहा है। उसके बारे में अभी आपको आगे चैप्टर बताने वाला हूं, लेकिन पहले 1 जून के लिए इंडी गठबंधन का प्लान सुन लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इंडी गठबंधन की अहम बैठक होगी। बैठक में चुनाव को लेकर सभी दल अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अखिलेश, तेजस्वी, एमके स्टालिन जैसे नेता बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की इस बैठक से दूरी बना ली है। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। ममता ने कहा कि मतदान खत्म होने में रात 10 बज जाता है तो वो चुनाव छोड़कर कैसे जा सकती। इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 2 सीट का चुनाव है।
ओदी पंजाब में भी चुनाव लाए लगता है, ओदी और सर जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। चलो यूपी तो उसका स्टेट है लेकिन अखिलेश तो है, बिहार में भी है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक, जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है, तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा। अब आप देखिए कि 1 जून को फाइनल फेज का मतदान होगा और उसी दिन एग्जिट पोल भी आएंगे, यानी 1 जून को ही संकेत मिल जाएगा कि चुनाव नतीजे किस दिशा में जाने वाले हैं। अगर इंडी गठबंधन के पक्ष में मामला नहीं बनेगा तो फिर मीटिंग में यही बातें होंगी कि नतीजे पक्ष में ना आने पर क्या किया जाए, किसे ब्लेम किया जाए, ईवीएम की चीड़फाड़ कैसे होनी है, ईवीएम का रोना कैसे रोना, ये सब चीजें स्ट्रैटेजी बन सकती है वगैरह वगैरह। या हो सकता है कि ये तय हो कि जीत गए तो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हो सकता है कुछ भी।